युद्ध की आग में जल रहे इजराइल फिलिस्तीन के बीच आज चौथे दिन भी जंग जारी है और अभी तक इसके शांत होने के दूर दूर तक कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। इजरायली सेना हमास के प्रमुख ठिकानों को उड़ा रही है। हमास के द्वारा इजराइल पर हुए हमले में 700 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और लगभग 2300 लोग घायल हैं। वहीं इजराइल ने आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए 3000 सैनिकों की भारी संख्या भी जुटाई है और अब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बड़ा बयान दे दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि लड़ाई हमास ने शुरू की, खत्म हम करेंगे। इजराइल इज एट वॉर। वी डिडंट वांट दिस वॉर। इट वाज फोर्स्ड अपॉन अस इन द मोस्ट ब्रूटल एंड सैवेज वे। बट दो इजराइल डिडंट स्टार्ट दिस वॉर, इजराइल विल फिनिश इट। हमास विल अंडरस्टैंड दैट बाय अटैकिंग अस, दे हैव मेड अ मिस्टेक ऑफ हिस्टोरिक प्रोपोर्शंस। We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. The savage attacks that Hamas perpetrated against innocent Israelis are mind-boggling, slaughtering families in their homes, massacring hundreds of young people at an outdoor festival, kidnapping scores of women, children, and elderly, even Holocaust survivors. Hamas terrorists bound, burned, and executed children. They are Savages. बता दें कि हमास आतंकियों ने इजराइल के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में रॉकेटों की बौछार की थी। टाइम्स ऑफ इजराइल ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि गजा में कई इजराइलियों को बंधक बना लिया गया था। बंधकों को बचाने के लिए पिछले 3 दिनों से लड़ाई चल रही है।